लातेहार के प्रासाही के ग्रामीणों ने लोहरदगा आरपीएफ पुलिस पर महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस संबंध में पंचायत समिति के सदस्य अयूब खान के नेतृत्व में बैठक कर विरोध किया, साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि बीते 12 दिसंबर को लोहरदगा आरपीएफ पुलिस ने गांव की दो महिलाओं को कोयला चोरी का झूठा आरोप लगाकर घर से खींचकर निकाला और अपने साथ लोहरदगा ले गए। इसके साथ ही विकलांग गोपी गंजू के साथ भी मारपीट की। वहीं महिलाओं को रात भर आरपीएफ थाना में रखा और दूसरे दिन 500 रुपए फाइन लगाकर छोड़ दिया गया। लोहरदगा पुलिस आवे थे हम पता ना हल कि लोहरदगा और लोग पुलिस आवे गेल हलिए चंदवा अलिए देखे थे कि यहाँ आये हथी आरपीएफ लोहरदगा वाला और सब अपन घुस गलिए घर में कमाड़ी दरवाजा साटल हल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।